सो गर्ल्स वी आर स्टार्टिंग विद द सेकेंड चैप्टर ऑफ प्लेन सॉलिड जोमेट्री स्फियर सो अभी तक आप पिछले सेमेस्टर में प्लेन ज्योमेट्री पढ़ के आए थे दैट मीन्स वी वर डीलिंग विद द टू टू डायमेंशन एक्स एंड वाई नाउ वी विल भी डीलिंग विद द सॉलिड ज्योमेट्री दैट मीन्स द स्पेस तो अब आपके पास एक वेरिएबल एड हो गया सो so, पहले हम सिर्फ एक्स और वाई एक्स पढ़ रहे थे अब हमारे पास आ गया तीसरा z एक्सिस यहाँ पे भाई आना था सो so, x y एंड z एक्सिस तो so, अब हमारे पास एक एक्सिस जो है वो इंक्रीज हो गया है so, सो आपको सबको पता है कि सर्कल जो होता है वो टू डिमेंशनल होता है और स्फीयर जो होता है वो थ्री होती है सो so, स्फीयर की एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं अ स्फीयर इज़ द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन स्पेस सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज़ कॉन्स्टेंट

सो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको पता है दैट इक्वेशन ऑफ स्फीयर उज सेंटर इज ओरिजिन एंड रेडियस इज ए तो पहले सेंट्रल फॉर्म पता होनी चाहिए अगर ए बी सी सेंटर ऑफ द स्फीयर है और आर रेडियस है दैन इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज गिवन बाय x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर सो दिस इज़ नोन एज द सेंट्रल फॉर्म अब अगर आपके सेंटर जो है वो ओरिजिन हो जाता है तो ए बी सी की जगह जीरो ज़ीरो जीरो यहाँ पे पुट करोगे सो दिस इज़ द इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर विथ सेंटर एट ओरिजिन नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ द स्फीयर इज ऑफ द फॉर्म दिस सो द इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन सेंट्रल फॉर्म ये होती है एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एड माइनस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायेयर यहाँ पे हमने देखा हमने स्क्वायरिंग ओपन कर दी तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू बी वाई प्लस बी स्क्र प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू सी जेड प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायेर सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर देन एक्स वाई जेड वाली टर्म्स एंड देन ये पूरी की पूरी कॉन्स्टेंट टर्म तो इसको हम बोलते हैं एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्वायोयर प्लस टू यू एक्स प्लस टू वी वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ तस्वीर और ये अब आपको याद रखनी है सो टू डी में हमने क्या था एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्वेयर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो तो वहाँ पर भी आपने देखा कि आपको ये बड़ा क्लियरली बताना चाहिए था कि जी एफ और सी आर वरदान नोन्स एंड जी इज़ द कोफिशियंट ऑफ टू एक्स एफ इज़ द कोफिशियंट ऑफ टू वाई एंड सी वॉज द कॉन्सटेंट सिमिलरली यहाँ पर भी आपने ध्यान रखना है कि टू एक्स का कोफिशियंट यू टू वाई का वी और टू जेड का डब्ल्यू ही लेना है एंड कॉन्सटेंट आर्म इज डी सो द जनरल इक्वेशन ऑफ द फीयर इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्यर प्लस टू यू एक्स प्लस टू वी वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो सो नेक्स्ट आर्टिकल में उन्होंने बताया कि अगर ये जनरल फॉर्म होती है तो हम रेडियस वगैरह कैसे निकालते हैं तो आप जनरली याद रखो सिर्फ इसको इफ दिस इज़ द जनरल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर देन यू इज़ कैलकुलेटेड हाफ़ कोफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई टू वी इज़ फाउंड बाई डिवाइडिंग कोफिशियंट ऑफ बाई डिवाइडेड बाई टू एंड डब्ल्यू इज़ फाउंड बाय डिवाइडिंग कोफिशियंट ऑफ सेड डिवाइडेड बाई टू एंड दी इज़ द टर्म सो सेंटर इज गिवन बाय माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू एंड रेडियस इज अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी तो जब हमारी सर्कल की इक्वेशन होती थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो तो सेंटर क्या था माइनस और माइनस एफ़ अब यहाँ पे सेंटर क्या है माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू वहाँ रेडियस क्या था जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट यहाँ पे रेडियस क्या है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी का अंडर सो ये बताया कंडीशन फॉर अ स्फीयर सो इट शुड बी इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री इन एक्स वाई जेड तो जो स्फीयर की इक्वेशन होती है वो सेकेंड डिग्री इक्वेशन होती है एक्स वाई जेड में बट सेकेंड डिग्री इक्वेशन एक्स वाई जेड में कोन भी हो सकती है और सिलेंडर भी हो सकती है और कोई कॉनिक्वाड भी हो सकता है सो सेकेंड कंडीशन है इसमें दैट कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वर इज इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ जेड स्क्वेर जैसे कि आपको पता है सर्कल की इक्वेशन में हमेशा एक्सक्वर और वाई स्क्वेयर के कोफिशियंट सेम होने चाहिए वन ना भी हो तो सेम होने चाहिए सेम होंगे तो हम उस नंबर से डिवाइड करके उनको हमेशा वन बना सकते हैं सेम इज़ द कंडीशन फॉर द इक्वेशन ऑफ स्फीयर थर्डली देयर शुड बी नो टर्म इन्वॉल्विंग द प्रोडक्ट्स तो जैसे कि सर्कल की इक्वेशन में भी आपके पास कोई प्रोडक्ट टर्म नहीं आती थी वैसे ही स्फीयर की जनरल इक्वेशन में भी देर इज़ नो प्रोडक्ट टर्म सो बहुत इजी है अगर आपको सर्कल वाला चैप्टर बहुत अच्छे से आपने किया हुआ है तो स्फीयर आपको बहुत ईजी लगेगा यू विल सी वी आर जस्ट एडिंग वन मोर वेरिएबल दैट इज़ द जेड वेरिएबल नो फर्स्ट एग्जाम्पल प्रूव दैट द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ स्फीयर फाइंड इट्स सेंटर एंड रेडियस तो हम क्या करेंगे हमें ये जो गिवन इक्वेशन ऑफ स्फीयर गिवन इक्वेशन गिवन है इसमें एक तो क्योंकि एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र के कोफिशंट सेम होने चाहिए इन्होंने सबसे पहले ए से डिवाइड कर दिया देन ये क्या कर रहे हैं एक्स वाली टर्म्स को वाई वाली और जेड वाली टर्म्स को कलेक्ट कर लिया एंड देन कम्प्लीटिंग द स्क्वायर्स सो कम्प्लीटिंग द स्क्वायर करके आपको ये मिल गया नाउ कंपेयरिंग इट विद द सेंट्रल फॉर्म ऑफ द स्फीयर दैट मीन्स आई एम गेटिंग दिस इज अ स्फीयर विद सेंटर एट माइनस u बाय a, माइनस v बाय a एंड माइनस w बाय a एंड दिस होल इज द रेडियस सो सेंट्रल फॉर्म ऑफ द स्फेयर क्या थी x स्क्र प्लस y स्क्वायर प्लस x माइनस a होल स्क्वायेयर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर प्लस एड माइनस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर वेर ए बी सी वर द सेंटर्स सो उसी से कंपेयर करके हमें इस इक्वेशन के सेंटर और रेडियस मिल गए सो दैट मीन्स दब इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग अ स्फीयर दे आर सिंग द अब इक्वेशन प्रेजेंस अस फियर वैन ये कहाँ से आई है टर्म यहाँ से जो रेडियस है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए एग्जाम्पल टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फियर विच पासिस थ्रू वन माइनस वन टू एंड हुटर इज माइनस वन टू थ्री सो यहाँ पे इस ये करने से पहले क्योंकि हमारी जो जनरल इक्वेशन ऑफ द फियर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्र प्लस एट स्क्र प्लस टू यू एक्स प्लस टू वी वाई प्लस टू डब्ल्यू एट प्लस डी इक्वल टू जीरो इसमें आपके पास अन कितने हैं यू वी डब्ल्यू और डी तो सर्कल की इक्वेशन में आपके पास जी एफ और सी तीन अन होते थे तो दैट मीन्स सर्कल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें तीन कंडीशंस चाहिए होती थी अब स्वेयर की इक्वेशन में क्योंकि हमारे पास फोर अन नोन्स हैं यू वी डब्ल्यू एंड डी तो स्वेयर की इक्वेशन के लिए हमें फोर अननोन्स चाहिए होंगे सो दिस यू हैव टू रिमेंबर इसी के बेस पे आगे और भी एग्जाम्पल्स आएंगे एग्जाम्पल टू इज़ वेरी इजी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फेयर विच पास थ्रू द पॉइंट वन माइनस वन टू एंड हु सेंटर इज माइनस वन टू थ्री तो क्योंकि आपको सेंटर पता लग गया माइनस वन टू थ्री है दिस इज एनी पॉइंट ऑन द स्फेयर तो ये डिस्टेंस सी पी निकालोगे आप जिससे आपको रेडियस मिल जाएगा सो so, रेडियस भी मिल गया सेंटर पता ही है सो यू हैव गॉट द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर एग्जाम्पल थ्री ऑप्टेन द इक्वेशन ऑफ़ द स्फीयर हुज सेंटर इज़ वन माइनस वन वन एंड हुज़ रेडियस इज द सेम एज दैट ऑफ दिस स्फीयर तो रेडियस सेम है तो so, अब इसका स्फीयर निकालने के लिए इस सॉरी इसका रेडियस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का कोफिशियंट हमेशा वन सो डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय टू ये मिल जाएगा इसका मतलब यू की वैल्यू है माइनस ऑफ वी की वन डब्ल्यू की माइनस थ्री बाई टू एंड डी की माइनस ऑफ कंपेयरिंग इट विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू यू एक्स प्लस टू वी वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो तो हमें यू वी डब्ल्यू डी की वैल्यूज़ मिल गई देन रेडियस ऑफ द स्फीयर आ जाएगा

तो अगेन हमें जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर गिवन है हमने क्या किया उसको कंपेयर कर लिया विद द कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ़ द स्फीयर जिससे हमें u, v, w और d की वैल्यू मिल गई सो दैट मीन्स हम इस स्फीयर के रेडियस और सेंटर फाइंड कर सकते हैं सो सेंटर ऑफ द स्फीयर आ गया माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू दैट इज़ वन टू थ्री एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर आ गया फाइव अब हमें जो नया स्फीयर चाहिए दैट इज़ कॉन् दैट मीन्स सेंटर इज़ सेम but double radius that means we want to find the equation of sphere whose center is 1 2 3 and radius is 10 so again using the central form of the sphere x minus a whole square plus y minus b whole square plus z minus c whole square is equal to r square we get the required equation of the sphere now next example number 5 a point moves so that sum of the squares of its distances from the six faces of a cube इज़ कॉन्स्टेंट शो दैट इट्स लोकस इज अ स्पीयर तो पहले आप स्पीयर वाला चैप्टर पढ़ लो जितने मैंने एग्जाम्पल्स डिस्कस किए आपके साथ ये कर लो एक बार फर्स्ट एक्सरसाइज कर लो एंड देन एग्जाम्पल नंबर फाइव वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर